मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। बड़ी पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की कसम खाने और लोगों को भी हिंदू धर्म ना मानने की कसम खिलाए जाने वाले कार्यक्रम में पहुंचकर आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम ने मुसीबत मोल ले ली है। मुसीबत इतनी बड़ी है कि पीछा छूटना मुश्किल सा हो गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दिल्ली के कार्यक्रम वाले वीडियो में शामिल हजारों लोग बौद्ध धर्म अपनाने का संकल्प लेते और हिंदू देवी देवताओं की निंदा करते सुने जा सकते हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा, और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। इस कार्यक्रम में शिरकत करना राजेंद्र पाल गौतम को महंगा पड़ गया। महंगा भी ऐसा वैसा महंगा नहीं पड़ा है, बल्कि मंत्री जी को तो इस्तीफा ही देना पड़ गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कभी मंत्री पद का सुख भोग रहे आप नेता राजेंद्र पाल गौतम की करनी की वजह से उनकी कुर्सी चली गई। राजेंद्र पाल गौतम की करनी पर आम आदमी पार्टी को बीजेपी, हिंदू महासभा और अन्य संगठनों ने तो घेरा, साथ ही साथ केजरीवाल सरकार ने राजेंद्र पाल गौतम को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हिंदू संगठनों ने तो राजेंद्र पाल गौतम के घर पर भगवा झंडा लहरा दिया और जमकर नारेबाजी भी की। लेकिन इतनी जल्दी राजेंद्र पाल गौतम की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। अपनी करनी के लिए मुसीबत मोल लेने वाले आपके पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को अब दिल्ली पुलिस का भी बुलावा आ गया है। राजेंद्र पाल गौतम किसी और धर्म को माने, इससे किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और आप दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। हमारे देश का संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जरूर देता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप धर्मांतरण की ओर बढ़ जाएं। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राजेंद्र पाल गौतम पर धर्मांतरण वाले कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर लगातार निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। ऐसी राजनीति इस देश के लोग चलने नहीं देंगे। कल वडोदरा की जनता का गुस्सा, गुजरात का आक्रोश और जिस प्रकार से उनको कल भागना पड़ा वडोदरा से, उसका ये परिणाम है कि आज वापस आते ही दिल्ली तुरंत राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा हुआ है। मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि ये गुजरात की जनता की जीत है, ये हिंदू समाज की जीत है और ये भारत में इस बात का पुनर्स्थापना करती है कि इस देश में हिंदुओं को गाली देकर, राम कृष्ण को नहीं मानते, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, ऐसी बातें कर केजरीवाल और उनके लोग जो राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। ये अरविंद केजरीवाल को शायद अब समझ में आने लगा हो। कपिल मिश्रा ही नहीं, भाजपा के कई नेताओं और विपक्ष के भी कई नेताओं ने राजेंद्र पाल गौतम पर निशाना साधा है। अब किया भी क्या जा सकता है, कार्य भी तो मंत्री जी ने ऐसा ही किया था, तो फल भी उसी प्रकार का मिलेगा। उसी की सजा राजेंद्र पाल गौतम को मिली है और मंत्री जी को आम आदमी पार्टी ने 2.5 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। टीम साउथ ब्लॉक डिजिटल।